हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपने शायद पहले कभी सुना ना हो। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। बात करते हैं इसरो के फ्यूचर स्पेस स्टेशन के बारे में। आखिर स्पेस स्टेशन क्या होता है और इसका क्या जरूरत है, डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। देखो, आजकल आप कितने सारे मूवी में देखते होंगे कि पृथ्वी खत्म हो रहा है और कुछ भाग्यशाली लोग स्पेस में अलग अलग ग्रह की खोज में निकले हैं जहां पे रहा जा सके। उस मूवी में आपको स्पेस में एक बड़ा ऐसा स्पेस क्राफ्ट दिखता होगा जिसमें लोग रहते हैं, वही स्पेस स्टेशन है। वैसे ये सारे मूवी काल्पनिक हैं, लेकिन हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस स्टेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रियल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट होता है ताकि कोई भी स्पेस मिशन में एरर कम हो और दुर्घटना से बचा जा सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहले से अंतरिक्ष में है जो कई सारे देशों के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। यह कंटिन्यूअसली पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है करीब 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इसे 90 मिनट लगता है पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में। आप स्पेस स्टेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। हाल में ही इसरो के हेड के सिवन ने कहा था कि भारत अपने खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा आने वाले 10 सालों में। उन्होंने कहा, हम इस पे कुछ समय से काम भी कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो स्पेस स्टेशन बनाने का पहला इंडिकेशन 2017 में मिल गया था, जब 10 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में यह जानना था कि कैसे दो रोटेटिंग सैटेलाइट एक दूसरे से लिंक किया जाए और फिर डॉक किया जाए। इस तरह का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस शटल को स्पेस स्टेशन से लिंक करने के लिए। दूसरा इंडिकेशन उसके एक साल बाद ही 2018 में आ गया था, जब इसरो का ह्यूमन स्पेस मिशन का अनाउंसमेंट हुआ। इस मिशन के लिए इसरो एक माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करने की तैयारी कर रहा है। जानते हैं माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है। देखो, स्पेस स्टेशन सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पे है अर्थ से, और वहां पे करीब 90% ग्रेविटी काम करता है। तो आप सोचते होंगे ये क्या चक्कर है, जब इतना अर्थ का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो भी सैटेलाइट नीचे की तरफ क्यों नहीं खींचा आ रहा है। या फिर स्पेस स्टेशन में आप देखे होंगे कि लोग हवा में तैरते रहते हैं, तो ये भी क्यों हो रहा है। इसके पीछे का कारण है जीरो ग्रेविटी। असल में ग्रेविटी पूरे तरह से जीरो नहीं रहता है, इसलिए इसे माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं। यह सब होने का मेन वजह है स्पेस स्टेशन अर्थ के चक्कर लगाते रहता है बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से, जिसके वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अपोजिट होता है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट एकदम ना के बराबर हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप मेले में रोलर कोस्टर पे बैठे होंगे, जब वो तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो आपको लगता होगा आपका वजन एकदम कम हो गया। साइंस लैंग्वेज में इसे फ्री फॉल कहते हैं। यह सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्पेस स्टेशन के लिए और जो भी स्पेस मिशन होगा आउटर स्पेस में उसके लिए। इंडिया का स्पेस स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 20 टन के करीब होगा। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 टन का है और चाइना का बनने वाला स्पेस स्टेशन 80 टन के करीब होगा। इसरो ने कहा कि वो इस पे तेजी से काम चालू करेगा मेन मिशन के बाद, जो 2022 में प्रपोज्ड है। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर एक कक्षा में प्लेस किया जाएगा। पिछले कुछ सालों से इसरो अपने PSLV रॉकेट के साथ अलग अलग तरीकों से प्रयोग कर रहा है। अब एक सिंगल PSLV रॉकेट सैटेलाइट को अलग अलग ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। PSLV एक 4 स्टेज का रॉकेट है। 2019 में इसरो ने अपने PSLV C-44 और PSLV C-45 मिशन के रॉकेट के 4th स्टेज को एक ऑर्बिटर लेबोरेटरी में बदल दिया था। इस तरह का लेबोरेटरी को नॉर्मली स्पेस स्टेशन अपने में जोड़ लेता है। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है, तो कई सारे सवाल उठने भी जरूरी है। जैसे कि अगर भारत को स्पेस स्टेशन बनाना था तो पहले भारत को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भागीदारी लेना चाहिए था, लेकिन भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से भारत को शुरुआती दौर में ही इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था। सबसे बड़ा इश्यू है कॉस्ट का, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होगा और स्पेस स्टेशन का कोई तुरंत फायदा भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे खर्च लगातार होते रहेगा। जबकि इसरो अभी हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने में भी बहुत पीछे है USA, रशिया और चाइना से। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसरो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट कराएगा जैसे नासा करवा रहा है। नासा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आम लोगों के लिए भी खोल दिया है, लोग टिकट परचेस करके वहां जा सकते हैं। क्या इसरो का भी कुछ ऐसा प्लान होगा।
अब जो भी होगा उस पे तो फ्यूचर में पता चलेगा, उसके लिए अपडेट लाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।